झारखंड जनहित मोर्चा के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष माना पाठक के द्वारा एक सामाजिक संगठन का स्थापना किया गया। इस सामाजिक संगठन का उद्देश्य जन जन की समस्या का निवारण करना यहाँ और गरीब असहाय मजदूर दलित शोषित उत्पीड़ित का आवाज बन क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में काम करना है, यही हमारा उद्देश्य है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर भी पूरी तरह से जनता को सहयोग नहीं कर पाता हूं, इसलिए मुझे झारखंड जनहित मोर्चा का स्थापना करना पड़ा। इससे मैं पूरे क्षेत्र की जनता को सहयोग कर सकूं, सुख दुख में खड़ा हो सकूं। टुंडी विधानसभा के जनता के दुर्भाग्य है क्योंकि अभी तक टुंडी का बेटा टुंडी का लाल अभी तक विधानसभा नहीं पहुँच पाया है। एक माँ का दर्द एक बेटा ही समझ सकता है। अगर जनता अगर मुझको पसंद करेगी तो मैं 2024 में चुनाव जरूर लूंगा। आज अगर टुंडी विधानसभा में विकास नहीं होता तो इसका मुख्य यही कारण है। वहीं ढांगीजोड़ा मंदिर के पुजारी आचार्य श्री विश्वनाथ पाठक और माना पाठक के पिता आचार्य विश्वनाथ का कहना है कि जिस तरह मैं मंदिर में रहकर श्रद्धालुओं का समस्या का निवारण करने का काम करता हूं, उसी तरह मेरा बेटा जनहित मोर्चा का स्थापना कर गरीब दलित शोषित उत्पीड़ित की आवाज बनकर हर क्षेत्र में काम करेगा। ये हमारे साथ जो बगल में बैठे हुए हैं जोड़ा मंदिर के पुजारी और आचार्य श्री विश्वनाथ पाठक जी हैं और जनहित मोर्चा के पिताजी यानी माना पाठक के पिताजी हैं। क्या कुछ कहिएगा बाबा? मेरा कहना है ये लड़का जो मेरा संस्था में जुड़ा है, मेरा हार्दिक इच्छा है यह जो है जनहित, जन मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, रामायण में भी कहा है पर हित सम धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम अधमाई। दूसरा के हित के जैसा कोई धर्म नहीं है और दूसरा को कष्ट देने जैसा कोई पाप नहीं है। पुराण में भी लिखा है अष्टादश पुराण यीशु 18 पुराण में व्यास ऐसे वचन, व्यास जी का मात्र दो ही वचन है परोपकार पुण्याय, यदि पुण्य लुटना है तो परोपकार दूसरा को भला कीजिए, पापाय पर पीड़नम। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई जाति विशेष नहीं, हर व्यक्ति के लिए है। और मेरा लड़का जुड़ा है जनहित मोर्चा है, जनहित हर व्यक्ति के लिए है। मानव जाति हम मानव जाति के हैं, हम कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब के हमको उल्लेख नहीं है। जनहित मोर्चा का मतलब ये है जन कल्याण के लिए। लड़का जुटा है, मेरा हार्दिक इच्छा है, इसमें मैं सब पूर्ण रूप से सहमत हूँ। बाबा जी का कहना है कि जिस तरह का मैं जोड़ा मंदिर में जो भी समस्या लेकर आते हैं उसके समाधान को मैं बताता हूँ, मेरा लड़का भी जनहित मोर्चा का निर्माण किया है और जन जन तक पहुंचाना, जन जन तक उसका समस्या को समाधान करना इसी का इसका काम है। हार्दिक इच्छा है बाबा जी कह रहे हैं, बाबा जी का हार्दिक इच्छा है कि जिस तरह मैं सेवा किया हूं मेरा लड़का भी इस तरह का सेवा करे। मैं मंदिर के द्वारा किया और लड़का अपना शरीर के द्वारा अपना मेहनत के द्वारा जहाँ जितना सके दूसरा को भला ही करेगा, मेरा इसमें हार्दिक इच्छा है। नमस्कार, जोहार जोहार झारखंड, मैं बहादुर राय और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। 2024 एक साल अभी बाकी है और मैं अभी जिस शख्स के पास बैठा हूं वो शख्स है झारखंड जनहित मोर्चा के संस्थापक माननीय हमारे माना पाठक जी। इसका जनहित मोर्चा बनाने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, हम जानने के लिए आए हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। स्टार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा, जनहित मोर्चा आप बनाए हुए हैं? देखिए, नाम तो किसी कोई भी संगठन बनाने के लिए नाम की ज़रूरत होती है, लेकिन उद्देश्य सिर्फ यही है कि जनता के बीच में रह के जन समस्याओं को जितना हद तक हो जितनी क्षमता है उसको दूर करने का प्रयास हम लोगों का, बस यही झारखंड जनहित मोर्चा का उद्देश्य है। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय सदस्य भी हैं, क्या उससे समाधान जनता का नहीं हो पा रही है? हो रही है समाधान, उसमें कहीं दिक्कत नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी पार्टी में रहने के बाद एक संविधान होता है, एक डिसिप्लिन होता है जिसके बाहर आदमी खुल के काम नहीं कर सकता। हम मान लीजिए जिस पद पर हैं उस पद से बाहर हम काम नहीं कर, लेकिन मन में एक होती है कि नहीं हम इससे बढ़ चढ़ के काम करें, उसके लिए हमको एक अलग संगठन एक दायरा बनाना पड़ा, बस यही उद्देश्य हमने झारखंड जनहित मोर्चा का गठन किया। हमने रिपोर्टिंग के लिए टुंडी गया था, जगह जगह पर देखें आपका जनहित मोर्चा का दीवार लेखन था, क्या जरूरी पड़ा है जन जनहित तक पहुंचाने के लिए? जनहित तक पहुंचाने के लिए सिर्फ यही है कि
आज नया नहीं है कि हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। आज मोटा मोटे जब से ज्ञान हुई आज 15-20 साल से हम लोग समाज सेवा पर लगे, लेकिन एक सीमित दायरा था। हम लोग जिस प्रखंड में आते हैं उस प्रखंड के ही तोपचांची तक ही सीमित थे, लेकिन अब लगा कि नहीं, हम लोग इस लायक हैं कि हम लोग विधानसभा कर पाएंगे, पूरा जिला में हम लोग अपना कार्य कर पाएंगे। तब क्षेत्र को बढ़ाया और हम लोगों ने इस तरह का काम करना शुरू किया। हमने देखा कि ज़्यादातर टुंडी में ही टुंडी विधानसभा है, आप भी टुंडी विधानसभा के ही अंतर आते हैं। टुंडी विधानसभा क्या लग रहा है, 2024 का तैयारी चल रहा है? नहीं, तैयारी तो विधानसभा की नहीं चल रही, तैयारी चल रही है कि हम कितना जनता के पास जा पाएँ और कितना जनता का काम कर पाएँ। इस बीच में अगर बात विधानसभा की आई, चुनाव की बात आई, अगर उस तरह का रहा तो उसमें भी कोई परहेज नहीं है, चुनाव भी लड़ सकते हैं। अगर जनता चाहिए तो, जनता चाहिए तो चुनाव लड़ सकते हैं। टुंडी विधानसभा में बहुत तरह का समस्या देखने को मिलता है, इस पर लेकर आप क्या कहेंगे? जी, टुंडी का ही दुर्भाग्य, सबसे पहला बात है कि टुंडी में आज तक टुंडी का वासिंदा विधायक नहीं बन पाया, और यही टुंडी का दुर्भाग्य रहा। इसीलिए जब तक मैं टुंडी का जनता नहीं यहाँ से विधायक बन के जाए, तब तक टुंडी का दर्द नहीं समझ सकता है। जिस तरह से विधायक जी को फंड मिलता है, जिस तरह से बहुत सारी योजनाएं आती है, वो धरातल पर कहीं नज़र नहीं आता है। अपना फंड पर कमीशन खोरी, 30-30%, 40% विधायक जी कमीशन जाता है। आप समझिए उसका क्या विकास होगा, इस तरह का कार्य हो रहा है। तो हम लोगों का यही सोच है कि अगर उस तरह का हो तो एक नया इतिहास रचा जाए, टुंडी से ही एक शुरुआत किया जाए। कहीं ना कहीं टुंडी को राजनीति का गढ़ कहा जाता है, और उस टुंडी विधानसभा के माटी माना पाठक जी भी हैं, क्या कहेंगे इस पर लेकर? बस तो है कि हम जिस धरती पर जन्म लिए हैं, जिस विधानसभा पर जन्म लिए हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि यहाँ के लिए कुछ करें। यही सोच लेके आगे बढ़ें कि तब अपना खून का एक एक बूंद जो है सो हमारा सार्थक होगा, अपना क्षेत्र के लिए, अपना समाज के लिए अगर हम काम करें। अभी आप बोलें कि अभी तक टुंडी का माटी का बेटा, तो क्या कहिएगा? बस टुंडी का निश्चित तौर पर जो 5 साल समय मिलेगा, एक एक मिनट जो है सो क्षेत्र के लिए रहेगा, और अपना 5 साल में जितना भी हो सके बढ़ चढ़ कर अपना अगर उस तरह का मौका मिला तो कार्य करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं और वर्तमान में सरकार भी आपका ही है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, जिस हद तक हो सरकार सिर्फ JMM की नहीं है, संयुक्त रूप से है, चाहे कांग्रेस की है, राजद की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तीनों मिला के सरकार चला रही है। रोजगार पर भी काम हो रहा है, क्षेत्र में शिक्षा हर चीज़ पर हो रहा है, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए उस रफ्तार में काम नहीं हो रहा है। बीच में कोरोना का भी मार झेलना पड़ा, जिस सब बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते गति में कमी आई है। बस वही सब गति को बढ़ाने के लिए सरकार भी प्रयासरत है, हम लोग भी एक कार्यकर्ता हैं तो अपने स्तर से हर तरह का प्रयास कर रहे हैं जितना संभव। अभी छात्र नौजवान संगठित होकर जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये आंदोलन कितना हद तक सही है? नहीं, आंदोलन सही है, होना चाहिए, जो जहाँ के है झारखंडियों को झारखंडियत का अधिकार मिलना चाहिए, जो नहीं मिला हम लोग बराबर से शोषित पीड़ित हैं। आज जो बाहर से मुट्ठी भर लोग हैं आके यहाँ पर शोषण कर रहे हैं, शासन चला रहे हैं, हम लोग यहाँ पर रहने के बावजूद मैंने समझे कि झारखंड का जनता भोला भला है जिसका नाजायज फायदा उठाकर यहाँ के लोगों को शोषण किया जा रहा है। ये आवाज़ उठनी चाहिए और इस आवाज़ के लिए ही सरकार बनी है और सरकार इस पर काम भी कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो पर लिखा था, बोला था कि हम लड़कों का रोज़गार देंगे, स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू करेंगे, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया और 1 साल बचा हुआ है, क्या लग रहा है आप हो जाएगा? देखिए, सक्सेस नहीं हो पाया इस बात को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी का विगत कुछ दिनों पहले देहांत हुआ। पारा शिक्षकों के लेके बहुत सारे इन्होंने स्वीकृति प्रदान किए, कार्य हो ही रहा है। बहुत सारी सरकारी अड़चनें आती है जिसको पूरा करने में समय लगता है, लेकिन कार्य तो बहुत सुंदर हो ही रहा है और आगे उम्मीद है कि साल भर में पूरा भी हो जाएगा। जब से आपने जनहित मोर्चा का निर्माण किया है, स्थापना किए हैं, तब से अभी तक गरीब, असहाय, मजदूर, किसान को लेकर आपने क्या क्या काम किया? बहुत सारे कार्य हुए, शादी विवाह हुए है, श्राद्ध कर्म का कार्यक्रम होते रहता है, दुर्घटनाग्रस्त बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल से लेकर अस्पताल से लेकर शिक्षा जगत से लेकर बहुत सारे कार्य होते हैं जिसको हम हाथों से नहीं गिना सकते, इस तरह का कार्य होते रहता है। आपके बगल में करोड़ों रुपया की लागत से स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है, इस पर लेकर आप क्या कहोगे?
जी, इस विषय पर लेकर हम लोगों ने सिविल सर्जन से मुलाकात की थी। हम लोग एक अल्टीमेटम दिए थे कि अगर इस डॉक्टर नहीं आएंगे तो हम लोग जो है सो इस पर आंदोलन करें। उन्होंने वहाँ पर आश्वासन दिया कि आप लोग जाइए, 4 से 5 दिन के अंदर डॉक्टर जाएगा, जिसमें उन्होंने एक जयंत कुमार नाम के डॉक्टर को डिपुट भी किया था। वही खाना पूर्ति के लिए 1-2 दिन आए, फिर जो है सो फिर नहीं आए। फिर इस पर हम लोग जोर शोर से लगेंगे हॉस्पिटल में डॉक्टर बहाली के लिए। फिर हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और डॉक्टर मंगवाएंगे। तो ये थे हमारे साथ झारखंड जनहित मोर्चा के संस्थापक सकेंद्रीय अध्यक्ष माननीय माना पाठक जी। इसका सोच है कि जनहित मोर्चा का निर्माण करने का उद्देश्य है कि जन जन के समस्या को समाधान करने के लिए ये संगठन का निर्माण किया गया है। और ये पार्टी नहीं है, एक सामाजिक संगठन है, और सामाजिक संगठन के स्तर से ये अपने माध्यम से काम करते हुए जा रहे हैं। अभी तक आपके बीच कितने लोगों ने, कितने लड़कों ने इस संस्था में जुड़े हुए हैं? अभी लगभग 300 के करीब युवा कार्यकर्ता सब हैं जो तन मन धन से संगठन के लिए काम कर रहे हैं। जनहित मोर्चा का मुख्य उद्देश्य के लिए पूरा अपना समय दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो ये थे माना पाठक जी, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जोहार, जोहार झारखंड।